नमस्कार, मैं रवि तिवारी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक से जूनियर असिस्टेंट पर एक महत्वपूर्ण बात करने में आपके समक्ष आया हूं। कल और परसों हम लोगों ने जो वीडियो डाले उसमें सबसे ज्वलंत प्रश्न जो आपका था वो परीक्षा की तिथि को लेकर था और आपके मन में एक जबरदस्त असमंजस बना हुआ है। आप परीक्षार्थी हैं, एक एक सूचनाओं से अपडेट होते रहा करिए। जब हम आपके भविष्य के लिए कोई बैच शुरू करते हैं तो हम उससे पहले पूरी रिसर्च करते हैं और सारी सूचनाएं जो कमीशन द्वारा प्रदान की जा रही हैं उन पर एक ध्यान आकृष्ट करके, एक एनालिसिस लेके, आसपास के बिंदुओं को पता करके इसके बाद कोई बैच आपको फॉर्म करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कल लिखा, बहुत सारे फोन भी हमारे संस्थान को मिले कि सर 3 नवंबर वेबसाइट पर अपडेट है। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि सर 3 नवंबर वेबसाइट पर अपडेट है और आप बैच चला रहे हो और आप कह रहे हैं 30 दिन मिलेंगे। कुछ लोगों ने कहा सर आप अपनी कैलकुलेशन को एक बार सही कर लीजिए। अगर हम लोग इतने बड़े मन से अपनी बात को आपके समक्ष पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने भी थोड़ा बहुत एनालिसिस किया होगा। तो परीक्षा के बारे में एक सटीक एनालिसिस मैं आपको देता हूं आज, ताकि परीक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आज आपकी दूर हो जाएंगी और आप एक सही दिशा में फोकस कर सकेंगे। क्लियर? देखिए, पहले तो ये बात करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 3 नवंबर को नहीं होने की कितनी संभावना है, क्यों ये परीक्षा 3 नवंबर को नहीं हो सकती, क्यों हम लोग ऐसा आकलन कर रहे हैं और क्यों इस समय पे हम लोगों ने इस बैच को आपके समक्ष लाया है जो एक क्रैश कोर्स का बैच है और हम मान रहे हैं कि हमें 25 से 30 दिन का समय मिल जाएगा और मेरा मानना है कि वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। कैसे? देखिए, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा जो थी वो 3 नवंबर को थी। अभी भी जो वेबसाइट पर कैलेंडर पड़ा हुआ है उसमें उस परीक्षा की तिथि 3 नवंबर ही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 3 नवंबर को एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा आपकी है जो समान उसी एज ग्रुप की है, जीडीसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, और यह परीक्षा उत्तर प्रदेश कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली है और इस परीक्षा में बहुत बड़े स्तर पर परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं, है ना। तो दो बड़ी परीक्षाएं एक ही दिन होने का आशा यह है कि इसमें से एक परीक्षा की तारीख का आगे बढ़ना लगभग तय माना जा रहा था और कमीशन ने इस परीक्षा को 3 ही तारीख को लेने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि इसकी प्रबल संभावना है कि जो 3 तारीख की आपकी परीक्षा है उसकी डेट को आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण साक्ष्य जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं, जहां से हम लोग आकलन कर रहे हैं इस चीज का, आप गौर से देखिए। सबसे पहले आयोग की वेबसाइट पर पड़ा है, 8 जुलाई 2019 को आयोग का एक नोटिफिकेशन आता है और 8 जुलाई 2019 को जो आयोग का नोटिफिकेशन आता है, ये देखिए तारीख 8 जुलाई 2019 को, ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। 19 को जो नोटिफिकेशन कमीशन का आता है उस नोटिफिकेशन में ये साफ साफ कहा गया है, यहां पर अगर आप लोग देखेंगे कि 7वें नंबर पर विवरण है कि कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन की जो आपकी परीक्षा है, 7वें नंबर पर विवरण है कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन की जो आपकी परीक्षा है वो 3 नवंबर 2019 रविवार के दिन आयोजित की जानी निश्चित है। ये 8 जुलाई का आपका जो नोटिफिकेशन है, यूपी ट्रिपल एससी ने ये बात कही है। इसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आपका आता है, जो नोटिफिकेशन आपका आया है यहां पर आप गौर से देख सकते हैं, 5 अक्टूबर, अद्यतन रिपोर्ट के नाम से ये नोटिफिकेशन भी वहां पर पड़ा हुआ है और इस पर लिखा है 5 अक्टूबर 2019। 5 अक्टूबर 2019 को कमीशन द्वारा फिर एक कैलेंडर जारी किया जाता है। इसका मतलब 8 जुलाई के कितने दिन बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 3 महीने बाद फिर एक कैलेंडर आपका यहां पर जारी होता है और इस कैलेंडर में 23वें नंबर पर जब आप जाते हैं, 23 नंबर पर, मैं आपको नीचे ले जा रहा हूं, यहां पर 23वें नंबर पर जब आप जाते हैं तो यहां पर आप 23वें नंबर पर देखते हैं कि वही परीक्षा की तारीख जो 3 नवंबर थी, कमीशन ने उसी परीक्षा की 3 नवंबर की तारीख को यहां पर क्या लिख दिया कि वो तारीख माह नवंबर 2019 में संभावित है। इसका मतलब है अगर कमीशन को 3 ही नवंबर को पेपर लेना होता तो वो पुरानी सूचना को कंटिन्यू करता, ना कि संभावित शब्द का यूज करता, है ना, ना कि संभावित शब्द का यूज करता। क्लियर? और ये जो है, ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये 5 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन आया है कि 3 नवंबर को संभावित है। 2 नवंबर को हम सभी लोग जानते हैं छठ जैसा महत्वपूर्ण पर्व है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे जो परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, है ना, और छठ यहां का प्रमुख त्यौहार है। तो इस प्रकार से जो हम लोगों को सूचनाएं मिली हैं उन सूचनाओं के आधार पर हमें कह सकते हैं
कि निश्चित रूप से आपको समय मिलना तय है, और अगर 3 से 10 से 15 दिन भी ये परीक्षा आगे बढ़ गई तो हम ये मान लेंगे कि हमें 30 से 35 से 40 दिन का समय आराम से मिल जाएगा, और जो क्रैश कोर्स हम लोगों ने फॉर्म किया है उस क्रैश कोर्स में आपको उतनी सामग्री दे दी जाएगी जितनी जूनियर असिस्टेंट पास करने के लिए अनिवार्य है। मैं एक और वादा आपसे करता हूं, अगर 3 तारीख को भी परीक्षा हो जाती है मान लीजिए, तो भी मैं हम लोग जो है 3 तारीख तक इतना आपको बता देंगे, इतना पढ़ा देंगे, चाहे एक दिन में 4-4 क्लास क्यों ना लेनी पड़े, कि 3 तारीख तक भी आपका कुछ 100% लगभग उस स्तर का कुछ 100% पूरा हो जाएगा जितना आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए चाहिए है। लेकिन मेरे अनुभवों के आधार पर, मेरा जो जीवन रहा है, मेरा जो अध्यापन अनुभव रहा है, मेरे जो लिंक्स है, उन अनुभवों के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 नवंबर को आपकी परीक्षा जूनियर असिस्टेंट की आयोजित नहीं होगी, आप निश्चित रूप से इसको मान लीजिए। हालांकि अभी कमीशन द्वारा निश्चित आधार पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, इसलिए आप लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है। लेकिन मान लीजिए कमीशन 27 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी करता है कि आपकी परीक्षा 9 तारीख को होगी, फिर वही ढाक के 3 पार, तब भी आपके पास 10 ही दिन रहेंगे। लेकिन आज से अगर हम लोग जुड़ जाते हैं तो 9 तारीख तक आराम से आपके पास कम से कम 25 दिन का समय आपको मिल रहा है, 20 से 25 दिन का, और इतना समय एक क्रैश कोर्स के लिए काफी है। और 9 तारीख के बाद जितना भी समय आपको मिलता है फिर वो स्वर्णिम समय होगा आपके लिए, वो सोने पर सुहागा, क्योंकि जितना समय आपको मिलेगा उतनी ही हम लोग अपनी नॉलेज को मान सकते हैं, उतनी ही हम लोग अपनी नॉलेज चमका सकते हैं। तो इन्हीं आधारों पर हम लोगों ने जो है आपका जो बैच क्या था फॉर्म किया हुआ है, और मैंने आपको सभी चीजें बताई कि क्या यहां पर स्थिति बन रही है आपकी परीक्षा को लेकर, कि कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं ना। तो 2-3 प्रमुख कारण है, आयोग ने लगभग सभी जानकारियों को अपनी वेबसाइट पर धीरे धीरे अपलोड किया है, और ऐसी अभी तक कोई भी जानकारी अगले नोटिफिकेशन के बाद जो 5 अक्टूबर का आया है आप लोगों को नहीं मिली है, जिससे तय हो सके कि परीक्षा 3 नवंबर को है। हम लोग भी उसी रूपरेखा पर कार्य कर रहे हैं। हाँ, हम लोग बैच संचालित कर रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण बैच जो हम लोग क्रैश कोर्स संचालित कर रहे हैं उस परीक्षा के लिए जितने भी दिन लगेंगे बचे हैं हम अपना जी जान लगा देंगे, क्लियर। लेकिन मान लीजिए परीक्षा की तिथि अगर 60 दिन आगे बढ़ गई तो हम आपके बैच को 59वें दिन तक पढ़ाएंगे। इसका मतलब है बैच तो हमने 30 दिन के लिए शुरू किया था, लेकिन अगर 60 दिन आगे बढ़ गई तो फिर 90 दिन हम आपको उसी फीस में पढ़ाएंगे, एक दिन भी कम नहीं करेंगे। लोअर वाले सभी परीक्षार्थी देखिए, लोअर का बैच हम लोगों ने 90 दिन के लिए शुरू किया था, लेकिन 8 महीने उनकी परीक्षा नहीं हुई, हमने उनको 8 महीने प्रैक्टिस कराया, टेस्ट सीरीज दिया, डाउट क्लास दी। सभी बैचेस के साथ हमारी यह प्रक्रिया है कि अगर एनटीपीसी के बैच को भी हम लोगों ने 5-6 महीने पढ़ाया, क्लियर, जबकि बैच हम लोगों ने शुरू किया था केवल 2 महीने के लिए, 60 दिन के लिए। तो अगर आपकी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ती है तो भविष्य में भी ये चीजें आपके काम आ सकती हैं, और जो जो संभावनाएं देखी जा रही है उनमें मैं जो समझ पा रहा हूं परीक्षा की तारीख का आगे बढ़ना निश्चित है। प्रवेश लाइन हमारे यहां खुली हुई है क्रैश कोर्स के लिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आप इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ये नंबर है, और एंट्री जे लिख के आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, और बाकी हमारी टीम आपसे संपर्क लगातार कर रही है। 18 तारीख के प्रातःकाल से आप लोगों को क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं प्रतिदिन स्वयं 2 घंटे क्लास लूंगा, त्योहार दीपावली के दिन भी आपको क्लास मिलेगी, जब तक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ने की सूचना नहीं आती है हमें मान के चल रहे हैं कि हमें दिवाली के दिन भी आपको पढ़ाना है। एक भी दिन हम लोग जुटे हुए हैं, त्योहार के दिन भी आपकी क्लास बंद नहीं होगी। हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया है, जितने संभव वीडियो होंगे लाइव मिलेंगे, बाकी जितने संभव वीडियो होंगे त्योहार के दिन वो आपको रिकॉर्डेड दिए जाएंगे, लेकिन एक भी दिन की क्लास आपकी मिस नहीं होगी, है ना। तो हम सब कमर कस चुके हैं, इस असमंजस को थोड़ा सा दूर रखिए और बहुत मजबूती से आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आयोग को उसी तारीख को परीक्षा लेनी होती तो अगले नोटिफिकेशन में वो संभावित नहीं लिखता बल्कि अपनी उसी बात को कंटिन्यू करता, है ना। तो अब आप भी निर्णय ले सकते हैं, आप भी परीक्षार्थी हैं, मेरे ज्ञान संज्ञान में, हमारी टीम के ज्ञान संज्ञान में जो चीजें समझ में आई हैं उस आधार पर हम लोगों ने क्रैश कोर्स प्लान किया है, और हम लोग किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं।
चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस परीक्षा के लिए, है ना, और आपको इस बैच के लिए। आइए 18 तारीख से हम लोग अपने सफर को शुरू करते हैं और बाकी फिर जो भी होगा उस हिसाब से इस पर आगे कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।